कई साल पहले की बात है कि दिल्ली उर्दू एकेडमी मुझे एक मौजू दिया। वो ये था कि मैं अल्लामा इकबाल की मानवियत क्या है एज ए हाजिर में इस पर इजहार ख्याल करूँ। बड़ा अहम सवाल है कि इकबाल को के इंतकाल को अब कई साल तकरीबन 80 साल होने जा रहे हैं, तो आखिर आज हम इकबाल कुछ पढ़ें ये क्यों पढ़ाएं। इस मौजू पर इजहार ख्याल से पहले इन दो लफ्ज़ों की वजाहत ज़रूरी है, यानी एक तो मानवियत और एक अहद हाजिर। मानवियत यानी मीनिंगफुलनेस का ताल्लुक ज़बान व बयान के जमालियाती पहलू से नहीं होता, बल्कि इससे मुराद होती है किसी अदबी तख्लीक की फिक्री अहमियत और मानी खेजी नीज हमारी इंफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी में उसकी अफादियत और असर पजीरी। ऐद हाजिर का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका इतलाक एक ऐसी मुद्दत पर हो सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 सालों पर मुहित हो, इसलिए कि साइंसी दौर में तब्दीलियों की रफ्तार बहुत तेज़ है। बहुत और हम 20वीं सदी के अवाखिर में यानी आखिरी 3 दहाइयों को ऐद हाजिर में बआसानी शामिल कर सकते हैं। इस तरह आज की गुफ्तगू में हमें देखना यह है कि अल्लामा इकबाल, इनके इंतकाल को जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, अपनी उर्दू शायरी के हवाले से इस दौर में ऐद हाजिर में हिंदुस्तान में किस मानवियत मीनिंगफुलनेस के हामिल हैं और उनका तफसीली मुताला क्यों किया जाए, उन्हें क्यों पढ़ा जाए। इकबाल के कलाम का आप मुताला करें तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि बाले जिब्रील की गज़लों के अलावा उनकी जो नज़में फ़नी एतबार से कदरे अव्वल की हामिल हैं, उनमें तस्वीर दर्द, वतनियत, नया शिवाला, शिकवा, जवाबी शिकवा, बज़्म-ए अंजुम, वालदे मरहूमा की याद में, खिज़्र राह, तुलूए इस्लाम, मस्जिद करतबा, लेनिन खुदा के हुजूर में, फरमान खुदा, ज़ौक़ो शौक़, साक़ी नामा, जिब्रील व इब्लीस, इब्लीस की मजलिस-ए शुजा, ला इलाहा इल्लल्लाह और शुआए उम्मीद वगैरह, ये वो शाहकार नज़में हैं जिन्होंने 30-40 साल पहले तक यकीन जानिए उर्दू दा तबके की पूरी नस्ल को अपनी फिक्री रिफत और शायर के जज्बाती खुलूस से इतना मुतासिर कर रखा था कि कितने ही लोगों को इनमें से बास तवील नज़में भी पूरी पूरी अजबर थी। इकबाल की शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे मुल्क में इकबाल की मकबूलियत बस दो चार हल्की फुल्की नज़मों, मसलन बच्चे की दुआ, तराना हिंदी वगैरह तक महदूद होकर रह गई है। इसका भी एक सबब है कि बदकिस्मती से उर्दू ज़बान से हमारी नावाकफियत बढ़ती जा रही है और कलाम इकबाल में यूँ भी जा बजा ऐसी फ़लसफियाना तफसीलात हैं और कहीं कहीं तो ऐसे मुजर्रद तसव्वुरात का बयान है जो एक आम कारी के दस्तरस से बाहर होता है। इकबाल पर अब तक बहमदिल्ला बहुत काम हो चुका है, लेकिन हुआ ये कि फ़लसफ़े से बहैसियत मजमू ताल्लुक़ रखने वालों ने कलामी इकबाल को अपनी जागीर समझ लिया और बेशतर सूरतों में उनकी जो भी तफसीर की गई वो फ़लसफियाना जाविया निगाह से की गई। डॉक्टर यूसुफ हुसैन खां हों या खलीफा अब्दुल हकीम या प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती, ये सब फलसफे के उस्ताद थे।
नतीजा ये हुआ कि इकबाल के तस्वुरात अवाम की दस्तर से बाहर हो गए। इस सिलसिले में आपकी तवज्जो मैं इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि इकबाल का जो फलसफा जिससे कि उनकी शायरी पहचानी जाती है यानी तसव्वुर खुदी, वो दरहकीकत कोई मेटाफिजिकल माबादी तसव्वुर नहीं है। माबादी त्याती तसव्वुर नहीं है बल्कि खुदबीनी और खुद शनासी सेल्फ रियलाइजेशन का वो पैगाम है जो अब से 1400 बरस पहले पेशतर इंसानों को दिया गया था। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लह। इकबाल अपने तस्वुर खुदी को इस कलमा ला इलाह का खुलासा करार देते हैं। हमारा ये इकरार कि अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, दर हकीकत अल्लाह ताला की अजमत और जलालत में कोई इजाफा नहीं करता बल्कि ये ऐलान है ऐसन तकमीम के दर्जे पर फायज इंसान की सरबुलंदी का। जरा गौर कीजिए, आज हमारे नाम निहाद बड़े आदमियों की शहरों कस्बों और देहातों के चौराहों पर जो रसवाई हो रही है उसका सबब क्या है? सिर्फ ये है कि हमने माल और दौलत इख्तदार और औलाद के खातिर अपनी इज्जत नफ्स सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा दिया। इकबाल की ये शायरी इसके मुस्तहिक हैं कि उनकी मानवियत पर गौर किया जाए। बहुत मुमकिन है कि हमें जमीर फरोशी जर परस्ती और कुनबा परवरी के अंधेरों में वो रोशनी मिल जाए जो हमें शर्मनाक बेआबरूई और बेइज्जती से बचा सके। मुलाहजा फरमाएं, इकबाल का ये कलाम कितना मानी खेज है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह की अजमत में कोई इजाफा नहीं करते बल्कि इससे इंसान की खुदी, इंसान की सरबुलंदी, इंसान की इज्जत नफ्स कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, हम जिसके आगे सर झुकाए। देखिए, यही पैगाम था जो कुरान मजीद से हमें मिला, वो सूरा जिसकी हम तिलावत हर नमाज में करते हैं यानी सूरह हम्द। उसका जो लफ्ज़ पर गौर कीजिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, किसी और से मदद नहीं चाहिए। यही इंसान की सरबुलंदी का सबक है। ये चार शेर मुलाहजा पर फरमाएं, कितने मानी खेज हैं। खुदी सेल्फ रियलाइजेशन कसर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी कसर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेर फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, खुदी है तेर फुसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल और दौलत दुनिया ये रिश्ता पैवन बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मानी खैर बात कही है कि ये दुनिया का माल, ये दौलत, ये रिश्ते, ये औलाद, ये सब वो बुत हैं जिनकी हम परस्तिश में लगे हुए हैं और हमने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया है और यही वो बुत हैं और कोई बुत नहीं है। ये मुराद यही औलाद, दौलत, इख्तदार, इज्जत, कुर्सी कि जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं, यही बुत हैं जो हमारी जमात की आस्तीनों में छुपे हुए हैं। अगर ये बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल के तसव्वुर खुदी को समझने में उनकी नज़्म साफ़ीनामे से भी काफ़ी मदद मिली।
इसका आखिरी बंद खास तौर पर बड़ा मानी खेज है। इस बंद में शायर का फिक्री इर्तिफा काबाकौसैन और अरना की हदों को छूटा हुआ नजर आता है। खुदी के निगहबां को है सेल्फ रियलाइजेशन, खुदी मीन सेल्फ रियलाइजेशन, खुदी के निगहबां को है जहनाब वो ना जिससे ना रोटी जिससे जाती रहे उसकी आज इसी रोटी के लिए इसी इसी पैसे के लिए इंसान कैसा जलील हो रहा है। वो ना जिससे जाती रहे इसका वही ना रोटी इसके लिए अर्जुमंद वही ना है इसके लिए अर्जुमंद रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद। और आज हम सब कुर्सी वाले लोगों के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। परो फाले महमूद से दर गुजर खुदी को निगह रख अयाजी न कर वही सजदा है लायक एहतराम के हो जिससे हर सजदा तुझ पर हराम। अगर हर चौखट पर सजदा करना शुरू कर दिया तो ये सारे सजदे ये सारी इबादतें बिल्कुल बेमानी हैं। ये आलम ये बुतखाना ये चश्मगोश जहाँ जिंदगी है फकत खुर्द नोश बढ़े जा ये कोहे गरां तोड़कर तिलिस में जमानों मकान छोप तोड़कर। इसके आगे अल्लामा इकबाल ने जो पैगाम दिया है उसकी मानवियत को अहदे हाजिर में सबसे ज्यादा समझा जाता है। आज जबकि इंसान ने माहो अंजुम पर कमंदें डाल दी हैं और वो दिन दूर नहीं जब नई दुनियाओं की तलाश इस पैकड़े खाकी को न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। और क्यों न हो आखिर तो पुराने मजीद की रोशनी में तस्खीर शम्स कमर यानी चांद सूरज पर फतह हासिल करना रोज़े अव्वल ही से इंसान का मुकद्दर बन चुका है। कुरान में इरशाद हो रहा है वसख्खरा लकुम शम्स वल कमर और चांद सूरज को तुम्हारे कब्जे कुदरत में दे दिया गया है। खुदी शेर मौला जहां उसका शायद जमीन उसकी शायद आसमां उसका शायद जहां और भी हैं अभी बेनमूद के खाली नहीं है ज़मीर वजूद हर एक मुंतज़िर तेरी हर एक मुंतज़र तेरी गलकार का तेरी शोखिये फिक्र किरदार का यह है मकसद गर्दिश रोजगार कि तेरी खुदी फिक्र हो आशकार। तू है फातह आलम खूबज़िश्त तुझे क्या बताऊँ तेरी सरनविश्त हकीकत है जामाए हर्फ तंग हकीकत है आईना गुफ्तार जंग फरोज़ा है सीए में शमे नफस मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस। अगर यक सरे मुहे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसुर परम। बाली जिब्रील के गजल तो अपने मानवी एतबार से अपने मानवी मुश्तमलात की बिना पर इसकी मुस्तहक मालूम होती है कि आज जो खला में जाने वाले कोशिशें कर रहे हैं मिर्रीख तक पहुंचने की वो इस नज़्म को अपना एंथम नेशनल एंथम बना लें कौमी तराना बना लें। सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इसके इम्तहान और भी हैं यही जिंदगी से नहीं ये फजाएं यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं इसी रोज़े सब में इसी रोज़े सब में दुनिया के उलझ कर न रह जा कि तेरे जमानों मकाम और भी हैं। तू शाही है कौजी तू शाही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी हैं। आज आप हजरात में से जिनकी उम्र अब हमदिल्ला 55-56 साल की हद को छोड़ रही है उन्हें शायद याद हो कि जुलाई 1969 की एक रात को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 1:37 पर अमरीकी खलाई जहाज का सबसे अगला हिस्सा ल्यूनार मॉड्यूल जो आर्मस्ट्रांग को लेकर चांद की सतह पर उतरा था उसका नाम भी तपख से ईजिल यानी शाहीन था। खुदी का ये तसव्वुर सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं अख़वाम में यह खुद शनासी पैदा हो जाए तो फिर वो किसी के गुलामी बर्दाश्त न करें खा वो कोई सुल्तान जाबिर हो या बेलगाम हामिर
गुज़िश्ता 70-75 साल के अरसे में एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा मंजरनामा आपकी निगाह के सामने है। मुझे किसी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरह यूरोप और अमेरिका की ताकतें खलीजी ममालिक के ज़ेर ज़मीन वसाइल को ललचाई हुई नज़रों से देखती रही हैं और उन पर कब्ज़ा जमाने के लिए कैसे कैसे तरीके अख्तियार किए गए हैं। ये जमहूरियत के ढंडोरती अपने दरपर्दा मकासद के हुसूल के लिए हर शहंशाहियत और आमरियत के से सौदेबाजी के लिए तैयार हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इन ममालिक के कुदरती वसाइल की मुनसिफाना हिस्सेदारी से महरूम आवाम अपने ममालिक की उस ऐश कोश मलूकियत और जाबिर आमरियत के खिलाफ उनमें बेदारी के आसार पैदा हो चुके हैं, जिसे अपने और अपने खानदानी इकतदार के सिवा किसी चीज़ के कोई सरोकार नहीं। और इकबाल ने इसीलिए कहा था कि सरवरी ज़ेबा फ़कत ज़ात बे हमता को है, हुक्मरान है बस वही बाकी बुताने आदरी, अज गुलामी फितरत आज़ाद रा रुस्वा मकुन ताज तराशी ख्वाजा अज बरहमन काफी करी। खाजगी से मुराद सरमायादारी वाली जबरील की नज़मों में दो तीन नज़में बतौर ख़ास हमारी तवज्जो की मुस्तहिक हैं, जिनका उन्वान है लेनिन खुदा के हुजूर फरिश्तों का गीत और फरमान खुदा। ये दरअसल तीन नज़में नहीं बल्कि हकीकतन सिर्फ उरूजी शाख्त के इख्तलाफ तो इनमें ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद ये एक मुसलसल नज़म के तीन हिस्से हैं जिनमें तमसीली पैराया अख्तियार करते हुए इकबाल ने इस कमज़ोर तबके की हिमायत की है जो सरमायादारी निज़ाम की चक्की में पिस रहा है। नज़म के पहले हिस्से में वो रूस के कदावर इश्तराकी रहनुमा लेनिन को खुदा के हुजूर में पेश करते हैं तो वो बारगाह खुदाबंदी में सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ यूँ शिकवा सन नजर आता है। रानाई में ता रौनक में राना ये तामीर में रौनक में सभा में गिरजों से कहीं बढ़ते हैं बैंकों की इमारत और जाहिर में तजारत है हकीकत में जुआ है सवसूदे करदाखों के लिए बर्ग बाजार। आप गौर फरमाएं तो ये निज़ाम जरगरी हमारे मुल्क में इन दिनों उरूज पर है। मुल्की मईशत पूरी तरह गिनती के चंद सरमायादारों के हाथ में आ चुकी, चंद फैमिलीज चंद खानदान चंद घराने हैं जो पूरी मुल्क की मईशत पर कब्जा किए हुए हैं। ये मुख्तलिफ कंपनियों का जाल है जो फैला हुआ है और जायज़ और नाजायज तरीक़ों से अपनी दौलत में इजाफा हो रहा है। अफरात ज़र से अशियाए ज़रूरी की कीमतें आसमान को छू रही हैं और फिर अब आज के हालात में जिस वबाई मरस से हम मुब्तला हैं उससे हमारी मईशत हमारी इकोनॉमी को और भी कमज़ोर कर दिया है और इसलिए अखबार सरमायादारी के खिलाफ कह रहा है। ये अजीब बात है कि आज कितनी गजब की बात है कि सरमायादार के फायदे के लिए शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और दवाखाने बंद हो रहे हैं। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजिरे रोज मकाफात। इस एतराज को समाप्त फरमाने के बाद बारगाह खुदावंदी से फरिश्तों को हुक्म मिलता है कि दुनिया के हालात के बारे में अपनी तहकीकती रिपोर्ट पेश करो। फरिश्तों का गीत इस हुक्म में खुदाबंदी की तामील है। खल्क खुदा की घाट में रिंदो फकीर हो मीरो पीर, तेरे जहां में है वही गर्दिशे सुबह शाम अभी, तेरे अमीर माल मस्त तेरे फकीर हार मस्त, बंदा है कूचा गर्द अभी ख्वाजा भलंद बाम अभी। अपने मखलूक हाल बंदों का यह हाल इजार सुनकर पेशानी पर मशीयत की शिकने पड़ जाती हैं
और फरिश्तों को हुक्म मिलता है, उठो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफे उमरा के दरो दीवार खिला दो, सुल्तान ये जमहूर का आता है जमाना, और जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। खुदा का शुक्र है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमें फख्र है कि 15 अगस्त 1947 से हम एक आज़ाद जमहूरी मुल्क के शहरी हैं, जिसका दस्तूर बुनियादी तौर पर गैर मजहबी और सामाजिक सतह पर फलाही रियासत वेलफेयर स्टेट बनाने की जमानत देता है। ये अलग बात है कि बदनामियों की गर्म बाजारी के बाइस हम कॉन्स्टिट्यूशन के इन टारगेट्स को हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। इन 67 सालों में याद कीजिए कि एक मुख्तसर दौर ऐसा भी आया जब हमने अरबाब सियासत पर वाजे कर दिया कि हम गेहूं के बजाय बीजल की रोटी खाने के लिए तैयार हैं, अपनी दाल में पानी की मकदार 3 गुनी बढ़ा सकते हैं, अपनी भूख से भिलकते हुए बच्चों को ठपक ठपक कर सिलाने का हुनर भी जानते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अपने मुल्क में आमरियत यानी डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त कर लें। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि अभी तक देरो हरम की रसम बस्तियों से अपनी गुलखलासी नहीं कर पाए। हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर वो लोग जिन्होंने सियासत को अपना जरिए माश बना लिया है, मजहब के तवे पर रोटियां सेके जाते हैं, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने मजहब की ठेकेदारी को अपना पैदाइशी हक समझ रखा है। इन मुकद्दस हजरात के लिए फरिश्तों के नाम अल्लाह का पैगाम है, क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। यहाँ पीराने कलीसा की जगह बाशानी मंदिर या मस्जिद भी हो सकते हैं, लेकिन यह है मुश्किल यह है कि मिसरा वजन से साफित हो जाएगा। अफसोस जिस शायर ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जिस शख्स ने शेख बरहमन की रविश से तंग आकर दैरो हरम ही को खैरबाद कह दिया था, उसी कुशादा दिल और वसीउ नज़र शायर को हिंदुस्तान में महज इस बिना पर एक ज़माने में ममनू करार दे दिया गया था कि वो जोग्राफियाई तौर पर महदूद वतनियत लिमिटेड पैट्रियाटिज्म लिमिटेड नेशनलिज्म से इतफाक नहीं करता था, और उसका ख्याल था कि वतनियत का ये तस्वुर मखलूक खुदा को बांट देने वाला है। अक्वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमजोर का घर होता है गारत तो इसी से, अक्वाम में मखलूक खुदा बढ़ती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे, और ये कौमियत इस्लाम सुन जाती सिर्फ इन अफराद पर मुश्तमिल नहीं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ने वाले हैं, बल्कि वो वसी कौमियत है जिसका ऐलान इंसानियत के सबसे अजीम मोहसिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौके पर अपनी ऊँटनी कुसवा पर सवार होकर जबल रहमत की बुलंदियों से इन अल्फाज में कहा था, लोगो लोगो अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़िक्रिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितअरफू, यानी ऐ लोगो हमने, गौर कीजिए इन अल्फाज पर, हमने तुम सबको एक ही मर्द औरत से पैदा किया है और फिर जमातों और कबीलों में बांट दिया है कि तुम पहचाने जा सको। बस इस आयत की रोशनी में न किसी अरब को अजमी ईरानी पर कोई फौकियत हासिल है, न किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फौकियत हासिल है, न काला गोरे से अफजल है, न गोरा काले से अफजल है। इंसान सारे आदम की औलाद हैं, और आदम की हकीकत इसके सिवा क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए थे। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि साले दिमाग रखने वालों को
आखिर से एहसास हुआ कि हमारी सोच में वो गलत फहमियाँ जो बाज़ ज़हनों में इकबाल के बारे में पैदा हो गई थी वो दूर। तालीमी काम का आगाज इकबाल की नज़म लपा आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी से होता है तो दूसरी जानी मुल्क के तुलू अर्ज में फैले हुए पुलिस और फौज के हजारों पैरेड ग्राउंड्स में फौजी बैंड की ये धुन गूंज उठती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। हमारी साबिक वजीर आजम आ जहानी मोहतरमा इंदिरा गांधी के ज़माने में जब पहला खलाबाज राकेश शर्मा दौरान परवाज हिंदुस्तान के ऊपर से गुजर रहा था तो इंदिरा जी ने उससे राबिता कायम करके एक सवाल किया था, राकेश तुम्हें खला की बुलंदियों से हिंदुस्तान कैसा लग रहा है? तो उसका मुख्तसर सा जवाब था, सारे जहां से अच्छा। यह है अल्लामा इकबाल की अहद हाजिर में मकबूलियत और मानवियत।